अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ ख्वाजा सदर। आप देख रहे हैं रैंडम वाइंस। इतने टाइम बाद मेरा व्लॉग आ रहा है। मैं एक्टिव नहीं था यूट्यूब पे, जिसकी वजह ये है कि मेरे हो रहे थे पेपर्स, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फोर्थ सेमेस्टर के फाइनल पेपर्स बहुत अच्छे हुए। जब आप पेपर्स दे के अपने घर आते हैं तो आपके जो दोस्त होते हैं बचपन के लौंडे यार पक्के जिगरी, तो उनकी तरफ से बार बार रब्ता हो जाता है शुरू कि चलो भाई मुलाकात करें और बैठ के कहीं गपशप करें, चाय शाय पिएं। तो इस वक्त सबसे पहले मेरे दोस्त, मेरे जिगरी यार माहद भाई, ही इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और जॉब करते हैं एक निजी कंपनी में। पाक पतन मैं इनके पास तशरीफ़ लेके गया था बोटा साहब के साथ, वो आ रहे हैं। बोटा साहब आप सबके फेवरेट, तो उनसे भी मुलाकात करवाते हैं। तो क्या सीन है माहद भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, तबीयत शुक्र आप सुनाएं? ठीक ठाक, प्यारे लग रहे हैं। हाँ, लाइट का कमाल है। सुनाएं कहाँ थे यार इतने दिन? यार असद भाई, आप ही मसरूफ़ थे भजन आपके पेपर से, तो अच्छे हो गए। और मैं भी मुल्तान नहीं आ सका, आपको पता ज़रा ऑफिशियल मसरूफियत थी भाई की। इस वक्त वेट हो रहा है हमारे शाह महमूद कुरैशी अली भुट्टा साहब का। अस्सलाम वालेकुम भुट्टा साहब। भुट्टा साहब ये जी हमारे वलैताबाद नंबर दो के शाह महमूद साहब हैं। हमारी ज़िंदगी जो है इन्हीं के गिर्द घूमती है। वजीर हमें कोई माल में मसला हो तो डायरेक्ट जो है ना शाह महमूद साहब को कॉल करते हैं। आप ये देखें ना कि हमारे जितने नालियां यहाँ की बंद थी, जितने हमारे ग्रुप बंद थे, ग्रुप्स बंद थे हमारे, सारे अली भाई ने ग्रुप खुलवाए। ग्रुपों के वजीर आजम है ये, काम हो रहा है अभी। वफाकी वजीर ग्रुप है, शाह महमूद साहब सर हम इस वक्त लेके कहाँ जा रहे हैं आप? मैं तो परदेसी हूँ, मुझे तो यही पता लगा है अली भाई आज चाय पिला रहे हैं। आप जहाँ ले जाओ हमें, आपके आपके साथ बैठ के डिस्कशन करते हैं। जहाँ पे अमूमन हम चाय पीने जाया करते हैं ना, इस वक्त हम वहीं जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ सिट करते हैं, फिर आपके साथ गपशप लगाते हैं। तो साथ बने। हमारा डोरेमोन मिटाल का पति मनासब टोक के जरा इलायची डाल के दूध पति तीन पीना। टेंशन नो, ये चाय कैसी है पहले तो ये बताएं ना, क्योंकि इसका रिव्यू हम पहले दे चुके हैं। चाय बहुत अच्छी है यार। ये देखे ना, ये पाकिस्तान में ये वाहिद होटल है जिसमें ये सर्विस 25 घंटे दे रहे हैं, और ये हम आपको प्रूफ के साथ अभी दिखा सकते हैं। ये 24 घंटे सर्विस नहीं, इधर 25 घंटे सर्विस है, तो चाय आउट क्लास है यहाँ। हमारे यहाँ आने की वजह सबसे बड़ी जो प्राइमरी वजह है यहाँ पे सिटिंग है। हम एक कप चाय लेते हैं, कुछ छः दिन यहाँ बैठ के गपशप लगाते रहते हैं, तो हमें कोई यहाँ से उठाने वाला नहीं होता। लिटरली बहुत मज़ा आता है, चाय जैसी भी हो बेहतर चाय होती है, लेकिन सबसे बड़ा मज़ा लेते हैं हम सिटिंग का। अच्छा, दूसरी बात माहद भाई ये पूछनी थी आपसे कि अली सतपारा, तो उनको मैं शहीद ही कहूँगा, एक बहुत बड़ा नाम, एक डिटर्मिंड इंसान, एक किताब जिसका इख्तिताम हुआ, वो किताब उसका बाब हम पर बंद हो चुका है, तो उनके हवाले से क्या कहेंगे आप? यार अली सतपारा एक लेजेंड है, और यकीन मानो मतलब उनकी अब इस एडवेंचर के बाद हमें पता चला कि यार वो कितना बड़ा कौम का असासा था। मेरी सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि लोग ना उन पे, मैंने कुछ कमेंट्स में पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे, लोग ना उन पे तंकीद भी कर रहे हैं कि यार देखो क्या यार किस किस्म का बंदा था, पता नहीं था कि वहाँ डेथ जोन है, वहाँ लोग मर जाते हैं, और वहाँ पे डेथ रेशो मेरे ख्याल 52% है, 32% सॉरी, मतलब एक परसेंटेज है डेथ की, तो चला गया। और भाई मुझे ये नहीं समझ आती थी, इन्हीं पागल इन्हीं जुनूनी लोगों की वजह से ये दुनिया दरियाफ्त हुई थी। आप ये देखो कि ये कोलंबस था, वो क्या था, वो जब समंदरों से गुजरता गया तो उसने देखा यार एक बहुत बड़ा मुल्क है, एक बहुत बड़ी एक जजीरे नुमा इलाके हैं जिनको दरियाफ्त ही नहीं किया हुआ था। अब वेस्ट इंडीज़ था तो उन्हें दरियाफ्त किया, आपका जो अमेरिका है वो पूरा का पूरा यहाँ पे लोगों ने इसी वजह से दरियाफ्त किया। तो इन कुछ पागल लोगों की वजह से होता है। जहाज़ जैसे आपने देखा होगा कि जहाज़ जब बना तो उसकी 112 या 113 अटैम्प्ट थी जो कि फ़ेल हुई। लोगों ने कहा कि यार अच्छा मैं उड़ सकता हूँ, भाई कैसे उड़ सकता है? उसके बाद अब ये है कि हम कुछ घंटों के अंदर हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले जाते हैं। अच्छा नाज़रीन, माइंड मत कीजिएगा, कोई मेरे दोस्त इस तरह के इंटेलेक्चुअल्स हैं, जब शुरू हो जाएं तो ये चुप नहीं होते। माहद भाई आपने एक्सेप्शनल केसेस पढ़े होंगे, आप भी इंजीनियर हैं माशाल्लाह, और मैं एक माइक्रोबायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। एक्सेप्शनल केसेस का नाम यही होता है कि इन्होंने जो कुछ करना है तो करना है,
यार मैं उस हाँ बिल्कुल फरमाइए। एक और मैं चीज़ इसकी देखो ना, उनकी पॉजिटिव ये भी है कि एक बंदा जो माइनस 50 अबव मतलब माइनस 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, वो बंदा एक अपने जुनून को पूरा करने, और जुनून क्या कि मैंने पाकिस्तान का झंडा केटू की बुलंदी के ऊपर लगाना है जाके, केटू की बुलंद चोटी के ऊपर लगाना है जाके, तो क्यों? और मेरे जैसा बंदा, आप जैसा बंदा, हम 8 या 9 डिग्री का जब टेम्परेचर होता है मुल्तान के अंदर और हम रजाई से हम निकल दिया फजर पढ़ने नहीं जाते। 8-9 ज़्यादा बता रहे हैं, हम तो 20 पे भी बहुत सुस्ती कर जाते हैं सर। अच्छा, उस बंदे की डिटर्मिनेशन थी कि पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। फॉरनर्स जो माउंटेनियर्स होते हैं, वो ऊपर चढ़कर जब उसको उस चोटी को पार कर लेते हैं, तो वहाँ पे अपने अपने मुल्क का झंडा लहराते हैं, जिससे उनका नाम, उनकी उनकी नेशन का, उनकी कंट्री का नाम रिकॉर्ड्स में आता है और वो मशहूर होते हैं। बिल्कुल इसी तरह उसकी ख्वाहिश थी भाईजान कि वो अपने मुल्क, अपने पाकिस्तान का झंडा रोशन, उसका वहाँ पर लहराए, उसका नाम। तो यार बजाय तनकीद करने के, यार उसको एक ट्रिब्यूट पेश करें। जब वो था तब भी हमें उसकी कदर नहीं थी, अब वो चला गया तो आप भी कदर कर लें। मकसद तो उसका यही था ना कि पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। जाते जाते इसकी ख्वाहिश ये थी कि मैं 5 फरवरी को अपनी इस अचीवमेंट को कश्मीरियों के नाम करूँ, और वो चाहता था कि एक वक्त आएगा कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। चाय से पी के अब हम जा रहे हैं घर। आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, अपने हीरोज़ को याद रखें जैसे हम अपने शाह महमूद को याद रखते हैं। आप अपने हीरोज़ को याद रखें, जिसमें आज हमारा मेन टॉपिक था जनाब शहीद अली सतपारा, और एक ना एक दिन हम महमूद शाह महमूद को भी याद रख रहे होंगे, हमारे विलायताबाद के शाह साहब। तो शाउट आउट देते हैं ज़रा इन पर जाते जाते, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर का, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लाजमी शेयर करें, कमेंट्स पे अपनी राय से ज़रूर आगा करें।